सबसे पहले मैं सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी के हमारे योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर खत्री का धन्यवाद करता हूँ और सभी जो हमारे साथी गण इसमें जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया है, क्योंकि समय की आवश्यकता ऐसी है कि फिजिकली हम प्रेजेंट नहीं हो सकते कार्यक्रमों में, इसलिए दूरस्थ रह करके भी सही संदेश सही समय पे सही दिन पहुंचाने का जो महती कार्य कर रही है यूनिवर्सिटी, इसके लिए मैं सभी अपने साथियों का बहुत ऋणी हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहें, जिससे आम जनता भी जुड़ सके और हमारे छात्रगण या जो भी ऐसे रुचि रखते हैं इन विषयों में वो लोग इसमें जुड़ सकें, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की नींव ही इस बात पे रखी है कि कैसे हम अपनी संस्कृति और जो हमारा हमारी थाती है, जो हमारे पूर्वजों ने दी है, इस देश में जन्म लेने के कारण जो हमें अनायास प्राप्त हुई है, उसे हम कैसे संरक्षित करें, संवर्धित करें और आगे बढ़ाएं, आम जन तक कैसे उसको पहुंचाएं। इस कड़ी में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ और मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आपका कार्यक्रम चल रहा था, मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि समय की कुछ ऐसी बाध्यता थी। मैंने कल इसलिए अनुरोध किया था कि मुझे बल्कि मैं 11:30 के बाद आने वाला था, परंतु चूंकि समय परमिट कर रहा था तो इसलिए मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। मैं केवल अपनी ओर से इतना ही कहूंगा कि योग एक ऐसी विधा है जो कि हमारी भारतीय परंपरा में योग का मतलब ही होता है जोड़ना, और ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये किसी प्रकार की एरोबिक्स या उस प्रकार की विधा नहीं है। यह तो हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक पद्धति है, जिसे हमारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अनुसंधान करके विभिन्न प्रकार से उसको समझाया है और उसे धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किया है। हमारी सनातन धर्म संस्कृति में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होती है उसके लिए वैसा ही पद्धति का विस्तार उसमें दिया जाता है, उनको वैसा ही पद्धति के बारे में बताया जाता है जिससे वे उस पथ पर आगे बढ़ सकें और जो अंतिम लक्ष्य है हमारे जीवन का, अपनी आत्मा का विवेचन करना, उसे पाना, उसे समझना, स्वयं को समझना, वो हम उसमें उस दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं सर्वप्रथम तो यही कहूंगा कि इसे सिर्फ मात्र एक फिजिकल एक्सरसाइज ना समझा जाए, ये उससे कहीं बहुत आगे की चीज है और उसी रूप में हमें इसका निरूपण भी समाज में करना है। यहाँ पर मैं आज ये भी उल्लेख करूंगा कि इस कार्यक्रम के पहले 10 बजे से 11 के बीच में संस्कृति विभाग द्वारा ही एक बड़ी अच्छी शंकर व्याख्यान माला आयोजित की जाती है, और अभी हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर रविवार को यह व्याख्यान माला रहे 10 से 11 के बीच में। आज भी स्वामी परमानंद गिरिजी महाराज का उसमें व्याख्यान था तो मैं उसी व्याख्यान में था, वो भी दूरस्थ तरीके से ही प्रसारण उसका हुआ, और उसमें स्वामी जी ने जो बात कही वहीं से मैं वही चीज मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे गीता में 2 अध्याय में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हम योग को क्या समझें, योग क्या है, उसके लिए 2 श्लोकों का मैं उदाहरण करना चाहता हूँ, बाकी सभी सुधी जन है, सभी लोग जानते हैं। एक तो श्लोक 48 है जिसमें कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को छोड़कर योगस्थ होकर कर्म कर, चाहे उसमें तुझे सफलता मिले अथवा ना मिले, चित्त की समता बनी रहनी चाहिए। चित्त की समता का नाम ही योग है। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट गीता में कर दिया गया है कि योग है क्या। योग है चित्त की समता का नाम ही योग। परंतु ये चित्त की समता कैसे आएगी और हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो बात वही खत्म नहीं हुई है। उसके बाद गीता में आगे लगातार बताया गया है उसके बारे में। उसी के आगे यदि हम श्लोक 50 देखें तो उसमें यह और स्पष्ट होता है, खुद युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात बुद्धि युक्त मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से युक्त रहता है, इसलिए योग सिद्धि के लिए कर्म कर, कर्म में कुशलता को ही योग कहते हैं।
यानी यहाँ व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ा गया है। हम जब भी कोई कर्म करें वो कर्म हमारा कैसा हो वो हमें ध्यान रखना है। हम कर्म के कर्ता बन के यदि कर्म करेंगे तो उसके फल से हम बंध जाएंगे और उसके फल अच्छे या बुरे होंगे और उसका कर्ता होने के नाते उसको हम अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। तो वो कर्म सही दृष्टि में कर्म नहीं है। और कर्म कर्ता का अर्थ यही है कि वो ऐसा कर्म हो जो कि स्वार्थ के लिए ना किया जाए और वो भगवत प्रीत्यर्थ और लोकोपकार के लिए किया जाए। ऐसे कर्म को ही जिसमें हम अपने को कर्ता ना माने और ये माने कि ईश्वर ही हमसे जो करा रहा है, जो कराना चाहता है, वही मेरा कर्म है और उसका फल भी हम ईश्वर के ऊपर ही छोड़ें और उन्हीं के चरणों में उसको अर्पण करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब हम उसका फल के भागीदारी नहीं हो रहे हैं तो हमें अच्छा बुरा लगने की संभावना ही खत्म हो जाती है। और इस प्रकार के कर्म में कुशलता को योग कहा गया है। यानी व्यवहारिक जीवन में भी हमें समझाया दिया गया और ये भी समझाया गया जब हम ऐसा कर्म करेंगे तभी चित्त की समता आएगी। इसलिए दोनों श्लोकों को जोड़कर देखें तो योग की जो हमारी भारतीय सनातन धर्म की दृष्टि है वो हमें स्पष्ट होती है और हमें ये समझ में आता है कि योग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। बाकी जो शारीरिक दृष्टि से देखने वाला योग है वो तो स्वतः हो जाता है, वो तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मन वचन और कर्म से आप सही तरीका अपना रहे हैं तो बाकी फिजिकल एक्सरसाइज वो एक सेकेंडरी चीज है, वो तो स्वतः होगी, स्वतः तरीके से होगी। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ और बौद्ध सांची यूनिवर्सिटी और हमारे सभी साथीगण जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जो जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसी प्रकार के कार्यक्रम आप भविष्य में भी आयोजित करते रहें। और ये मैं ये भी कहूँगा कि ये जो शंकर व्याख्यान माला है कृपया अपने छात्रों तक संदेश पहुँचाएं, उसका लिंक पहुँचाएं। हर एक रविवार या जब भी ये कार्यक्रम आयोजित हो तब कृपया उस लिंक में जरूर जाकर के उस जो हमारे संत महात्मा हैं समाज में जो दृष्टि देते हैं, जिनमें समत्वता की ये भावना विकसित है और जिन्होंने उसको अचीव किया है, उनकी वाणी को सुने तो हमारा और भी से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो उसमें सभी छात्रों को जरूर ये कहें कि वो बंधनकारी तो नहीं है परंतु उसको यदि बंधनकारी अपने ऊपर बना ले तो बहुत अच्छा होगा और ये मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी हमारे साथियों को बधाई और शुभकामनाएं। यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती रहे और हमारा विभाग इसी तरह काम करता रहे, सभी लोग उससे लाभ लेते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रणाम सर।